की 17 अवधि समाप्त होने के बाद भी बिहार में प्रवास करेंगे। यह बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है कि राज्य में विपक्ष के नेता कम उपलब्ध पाए जाते हैं राज्य के अंदर में, तो हमारी उम्मीद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव, मैं हूं आपके साथ कंचन। बिहार की राजनीति अब डिजिटल हो रही है, जिस तरह से ट्विटर वार लगातार जारी है, राजनीतिक दल एक दूसरे पर तंज भी ट्विटर के द्वारा ही कसते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच जैसे ही जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार का ट्विटर अकाउंट हर पर घंटे अपडेट रहता है, वो अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए आए दिन तंज कसते हुए दिखते हैं, लेकिन उनका मानना है कि ये ट्विटर वार बस उन्हीं तक रहे, दूसरा राजनीतिक पार्टी इस ट्विटर के जरिए तंज ना कसे। आपको बता दें कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है, जिसका आज 5वां दिन था। नीरज कुमार ने अपने बयानों में साफ तौर पर कहा है कि जो ट्विटर वार है वो राजनीतिक पार्टियां ना करें, जो ट्विटर वार है वो नीरज कुमार ही कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ट्विटर पर यदि कोई मुद्दा आएगा वो सत्ता पक्ष उसे नहीं देखेगी, सत्ता पक्ष के पास नियमानुसार विपक्षी पार्टियों को मुद्दा रखना पड़ेगा। ट्विटर पर जो नीरज कुमार आए दिन अपडेट रहते हैं, तंज कसते हैं, उनका मानना है कि ट्विटर बस उन्हीं तक रहे, दूसरे राजनीतिक पार्टियां उन्हें यूज ना करें। वहीं आपको बता दें कि जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार हमेशा सवालों को काटते हुए दिखते हैं। उनसे जब मीडिया कर्मियों ने सवाल किया कि जो विपक्षी पार्टी हैं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे वो नीति आयोग का मुद्दा हो, चाहे वो शिक्षक नियुक्ति का प्रदर्शन शिक्षक नियुक्ति का मुद्दा हो, चाहे वो मुद्दा शराब की बोतल मिलने का हो, हर मुद्दा पे नीरज कुमार सवालों को काटते ही दिखते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र का सबसे महत्वपूर्ण बात है कि विपक्षी पार्टी सभी यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने सवाल को काट दिया और बस विपक्षी पार्टी की मौजूदगी की महत्वपूर्णता को व्याख्या की। तो कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष है सभी सवालों को काटते हुए दिख रहे हैं, और सबसे बड़े दिग्गज जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ही हैं। आप देखिए इस वीडियो में क्या कह रहे हैं नीरज कुमार। विधानमंडल का शीतकालीन सत्र का महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि संभवतः पहली बार विपक्ष के नेता सदन में लगातार सब उपस्थित रहे हैं, बीच में कभी मर्याद नहीं रखा, और हमारी उम्मीद है कि 17 अवधि समाप्त होने के बाद भी बिहार में प्रवास करेंगे। यह बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है कि राज्य में विपक्ष के नेता कम उपलब्ध पाए जाते हैं राज्य के अंदर में, तो हमारी उम्मीद है। और साथ ही साथ सदन में सरकार अपनी बात कहती है, विपक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन इसके लिए जो विधायी प्रक्रिया है, कार्य संचालन नियमावली, उसके तहत अपनी बात को रखिएगा ना। आपको किसी पर बहस कराना है, किसी पर विवाद करना है, मीडिया ट्रायल से राजनीति और ट्विटर ट्रायल से राजनीति का एजेंडा नहीं तय होता है, बल्कि राजनीति का एजेंडा सदन में तय होता है कार्य संचालन नियमावली से। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।